हेलो दोस्तों। हाय अभियंश। हेलो सुजीत दुबे। हेलो हाय प्रणाम नमस्कार। आइए फटाफट जुड़ जाइए क्योंकि होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाल मस्ती। हेलो सुजीत दुबे जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है। कोई मुझे लिखकर ये बताओ कि क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं। हाय आरू जी कैसी हैं आप। वाह क्या बात है। लोग एकदम सब बढ़िया है। बढ़िया है। आवाज़ मेरी आ रही है। कोई लिखकर बताएं। जय श्री राम जय श्री राम। सब एकदम बढ़िया भैया। भगवान भोलेनाथ की कृपा है। वाह लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक पोस्ट शेयर की, एक पोस्टर शेयर किया और ये बताया कि आज शाम 5 बजे हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू जी जुड़ेंगे। उनके साथ में डायरेक्टर मिस्टर चंदन उपाध्याय जी जुड़ेंगी और जो 7 दुल्हनों की कहानी है वो सारी अभिनेत्रियाँ भी जुड़ेंगी हमारे साथ, जिसमें निधि झा ना जी हैं, पूनम दुबे जी हैं और मनी भट्टाचार्य हैं, जोया खान हैं और धनवी जी हैं और देखिए तमाम हीरोइनें हैं। साथ ही साथ हमारे सुपर डुपर विलन मिस्टर संजय पांडे साहब भी हैं, जिनकी लाजवाब एक्टिंग देखने को मिली है। दोस्तों संजय वर्मा जी भी हैं कॉमेडियन इसमें और देव सिंह का भी किरदार बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये देखिए अरविंद अकेला कल्लू सर आ चुके हैं। हेलो हेलो कह रहे हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और कल्लू की दुल्हनिया फिल्म की बात यहाँ हो रही है, उसके स्टार कास्ट के साथ हम जुड़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इनवाइट यहाँ भेज रहा हूँ आज के मुख्य अतिथि मिस्टर कल्लू सर। और कोशिश करते हैं कि कल्लू जी जो हैं वो हमारे साथ लाइव पर जुड़े। सबसे पहला रिक्वेस्ट जो है मैं मिस्टर कल्लू के इनवाइट भेज दिया है कल्लू भैया को। ठीक है इनवाइट भेज दिया है कल्लू सर को। और अगर इंटरनेट बाबा और सारी चीजें ठीक रही ये वाह क्या बात है। आ तो गए भैया। कल्लू भैया ओहो ओहो नमस्कार। नमस्कार दुल्हे राजा। आपके ही मजे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मजे हैं पूरी इंडस्ट्री में। जब देखो तब दुल्हनिया आपके पीछे होती हैं और स्पेशली इस फिल्म में एक नहीं सात सात। क्या बात है गुरु। हाँ तो सबसे पहले जितने लोग जुड़े हैं सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आपका दुल्हा राजा आपसे बात करने के लिए हो गया तैयार। हाँ ये बात तो है बट पिल्लू भैया अगर आपकी इजाजत हो तो डायरेक्टर मिस्टर चंदन उपाध्याय सर को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए, जब जी बात जी बढ़ाई जी जाए तो। जी तब जी तक देखिए कितने लोग आपको सब प्यार कर रहे हैं भैया, सब कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं, सबका अभिवादन करिए। वाह हेलो दया शंकर ओझा जी, अभिषेक कुमार जी नमस्कार, अभिषेक श्रीवास्तव तो रिफ्लेक्शन पिक्चर से मेरे भाई, उसको भी नमस्ते प्रणाम, सबको नमस्ते। और मैं पहले अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि रात भर शूट था, लेकिन देखिए धर्म जी ने अपने पेज के माध्यम से अपडेट किया और आज आप सबके बीच में। बिल्कुल। और चंदन भैया को भी हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, भैया अगर हैं तो और प्लीज आइए जुड़िए। ये देखिए तीसरा विंडो तो खुल गया भैया, हेलो फ्रंट कैमरा करिए चंदन भैया, फ्रंट कैमरा करिए। हाँ प्रणाम। दो शानदार चेहरे एक साथ, मजा आएगा आपको तो। आखिर पाने नहीं आप दोनों को। हाँ बोलिए। ये अगुआ है हमारे कल्लू बिल्कुल की दुल्हनिया की ये अगुआ है और अगुआ का बहुत अहम भूमिका होता है। अरे चंदन भैया आपको पता नहीं आज इस फिल्म के बाद अब है ना जितने भी मैं चंदन अगला भैया न्यावला पता है इस फिल्म के बाद है ना जितने भी जला अगर दुल्हन उल्टा पुल्टा मिल गए तो तो अगुआ का न्यावला जला। नहीं, ये अगुआ अच्छा। सात सात दुल्हनिया आपने सीधे इनके लिए जो है ढूंढ निकाली, यहाँ एक ढूंढना इतना मुश्किल होता है और आपने सात ढूंढ निकाली।
जब दूल्हा अच्छा होता है ना तो दुल्हने बहुत सारे मिल जाते हैं, तो 7 का हम 27 खड़े कर देते हैं। साथ में हालत खराब हो जाता है। अरे मैंने मैंने देखा ट्रेलर भाई, इतना गजब का ट्रेलर, इतना गजब का ट्रेलर, और हंसते हंसते पेट फूल गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 4 बार देखा है। और कल्लू भैया आपकी हालत तो एकदम दयनीय हो गई थी। मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। वो मैंने फील कर लिया, फिल्म करते समय फील कर लिया कि कितना कष्ट होगा जब साथ साथ। मुझे लगता है कल्लू भैया, मुझे लगता है कि दूल्हे राजा तैयार हैं, अगुआ भी आया हुआ है, तो दुल्हनों को भी एक एक करके बुलाया जाए। हाँ ये मैं कहना चाह रहा था, लेकिन ना भैया मैं चाह रहा था कि कल्लू भैया की स्टाइल में हो जाए। ट्रेलर में एक बार इन्होंने एक वर्ड यूज किया था और सातों के सातों अचानक प्रकट हो गई, तो कल्लू जी आप ही बुलाइए अपनी दुल्हनियों को। वो तो आप बुलाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा मेहरारू। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दे जाए कि कल्लू की दुल्हनिया, जो आज हम इतने लोग सारे लोग जुड़े हैं, कल्लू की दुल्हनिया हमारे फिल्म से जुड़ी है, ट्रेलर रिलीज हुआ है इंटरटेन पे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग जाइए इंटरटेन के यूट्यूब चैनल पे और आप लोग देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत प्यार। चंदन भैया मैं जो है अब अभिनेत्री पूनम दुबे जी को साथ में जोड़ लूं, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। और तब तक चंदन भैया आप ये सोचिए कि आपने कल्लू जी के लिए 7-7 दुल्हनियों का इंतजाम किया है, बाकी जो फुहारे इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं सारे के सारे आपका नंबर मांग रहे हैं अब। बहुत लेकिन बहुत अच्छे। देखिए देखिए दूल्हा ईमानदार होना चाहिए, अगुआ अगुआ तब रेडी होगा जब दूल्हा ईमानदार होगा। थैंक यू। तो पहले दूल्हा ईमानदार दूल्हा कौन है वो ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम दुल्हन खोजने के लिए तैयार। चलिए कल्लू सर, मैं पहले ना जो पहली दुल्हन है पूनम दुबे जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, देखते हैं आपने इतने प्यार से मेहरारू बुलाया, वो जुड़ रही हैं, फ्री हैं। कसम से इतना कॉमेडी चंदन भैया, कैसे आपके दिमाग में आ गया कि भाई कल्लू जी के लिए 7 दुल्हनियां ढूंढी जाए, मतलब इस फिल्म का निर्माण करा जाए, क्या कहेंगे? ये इत्तेफाक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी कल्लू जी के साथ फिल्में प्लान करने का मौका मिलता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है मेरे अंदर अच्छी फिल्म बनाने का, कुछ नया करने का। तो और साथ में कल्लू जी का बड़ा सपोर्ट होता है फिल्मों में, तो शायद इसलिए बेहतर कर पाता हूँ। आप लोगों की जोड़ी बड़ी जमी है, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी फिल्म है, छठी ये हमारी छठी फिल्म थी। मतलब क्या आपको ही खाली डिस्काउंट देते क्या कल्लू सर, क्योंकि मार्केट में तो मैंने सुना है भाई इनके पास डेट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लाइव में ऐसे बोलेंगे? ऐसा नहीं है, ये इकलौते ऐसे हीरो हैं जो सारे डायरेक्टरों का बड़ा सम्मान करते हैं, सारे प्रोड्यूसरों का बड़ा सम्मान करते हैं, और सबको बड़ा प्रेम भाव से और एक नजरिए से देखते हैं। हाँ, मैं एक बड़ा भाई हूँ तो शायद एक सिंपैथी जरूर होता होगा 1-8%, लेकिन वो भाई होने के नाते, डायरेक्टर होने के नाते नहीं। धर्म भैया जो उदय भगत जी हैं, उदय भगत जी हैं जो भसूर लगेंगे हमारी दुल्हनिया को, वो बोले दुल्हनियों को बुलाया जाए, भवाई को इनको बुलाना पड़ेगा। पूनम जी लगता है कहीं पे व्यस्त हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस फिल्म की दूसरी अभिनेत्री मनी भट्टाचार्य जी को अपने साथ जोड़ने में, लाइव में। एंड वो रही है। देव भैया भी जुड़ गए हैं, एंड बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा ट्रेलर। अच्छा, मामू ही है बनल हमें, तो मैं देव भैया को बुला लेता हूँ फिलहाल, ठीक है ना भैया? बिल्कुल बुला लीजिए। अभिनेत्रियां दुल्हनियां सज रही हैं, सब अभी सज रही हैं, सिंगार पटार में लगा है लोग। तो दोस्तों इस फिल्म के बहुत ही अहम किरदार मिस्टर देव सिंह साहब को मैंने इंस्टाग्राम पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया। देव सर प्लीज आ जाइए आप भी लाइव हमारे साथ, यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। कल्लू भैया आपके मेहरारू वाले वर्ड में दम नहीं था, एक बात मान लीजिए गुरु, कोई नहीं आ रहा है, सब तैयार होने में इतना समय लगा रहे हैं, ऐसा क्या किए आप बताइए पहले? ऐसे भी मेहरारू को लेकर क्यों ना आएंगे, क्यों ना आप कुछ बोलना पड़ेगा। ये बात तो आपने सही बोला है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ।
वैसे भी दुल्हन को आजकल इंतजार करना पड़ रहा है दुल्हन के लिए। चलो बहुत अच्छा है। तातो में से आपकी फेवरेट कौन है? मत कहना भाई। नाम बिल्कुल नहीं ले सकते कौन फेवरेट है। थैंक यू को इनवाइट भेज दिया है। मनी जी सर्च नहीं हो पा रही हैं, बाकी एक्ट्रेसेस भी आपके देखने रहे हैं, मिलने रहे हैं, अभी कोई ऑनलाइन नहीं आया। सोनालिका जी होंगी, सोनालिका जी को ट्राई करिए। वो व्यस्त थी, उनसे मेरी बात हुई कहीं। अच्छा ओके। जोया खान जी होंगी, आहाना जी होंगी, सारे लोग होंगे। एक एक करके देखिए कौन है, कौन सी दुल्हन जिसका शिकार पटार हो गया है। हाँ ये बात बिल्कुल आपने सच बोला। हाँ नहीं है। उसके बाद वो दूल्हे राजा के प्रतिद्वंदी भी हैं, उसको संजय भैया। हाँ पूनम दुबे जी अभी ज्वाइन आपको दिखी है, ज्वाइन करिए उनको, पूनम जी को। अच्छा पूनम दुबे जी को इनवाइट करिए, अभी दिखी है। अच्छा ये बता रहा है कि जो सिर्फ तीन विंडो ही इसमें खुल रहा है भैया, पता नहीं क्यों तीन विंडो ही बता रहा है, चौथा विंडो खुल नहीं रहा है। भैया आवाज आ रही है मेरी? कल्लू भैया कोई बात नहीं, कल्लू भैया आप ही बताइए कि ये जो फिल्म आपके पास जब आई तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया और क्या सोच करके इस फिल्म को आपने तुरंत ही साइन कर लिया? हमारे अभी हम आपको रुकना चाहिए, हमारे हिसाब से दो चलेंगे तो मनी भट्टाचार्य जी और नेटवर्क इश्यू हो रहा है चंदन भैया। हाँ चंदन भैया का नेटवर्क इश्यू हो रहा है। पूनम जी वॉच कर रही है, देख रही है, उनको ज्वाइन करिए। भैया यहाँ पे विंडो नहीं दिखा रहा है भैया, यही तो प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों ये बोल रहा है ओनली थ्री गेस्ट कैन बी इन योर लाइव रूम। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो उनको लग रहा है कोई नेटवर्क इशू है। हेलो हाय हाय कैसे हो? स्वागत करिए हमारे साथ लाइव पर, इस समय जुड़ गई हैं अभिनेत्री मनी भट्टाचार्य, बहुत स्वागत। एक साल हो गया फिल्म को, मुझे लगा था फिल्म को एक साल हो गया है तो वो क्या मुझे लगा था फिल्म को एक साल हो गया तो उधर से लल्ला साथ में आएगा, ये पिल्ला आ गया। दो दो है, दो पिल्ले। क्या नाम है दोनों का? दोनों का क्या नाम है? ये है ब्रूनो, ये है मैक्स। ब्रूनो और अभी जस्ट 2 वीक्स पहले एक ब्राउनी थी, उसका डेथ हो गई, ब्रूनो था मेरा। आप जब से आई हैं कल्लू भैया देखिए कैसे आपको लगातार देखते ही देखते ही अरे भाई इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, तो आए कर लीजिए। अब इनके चेहरे पर मुस्कान आई, मुस्कान आई, एक बनने तो आई। नहीं 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 कल्लू सर कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ कैसी हैं आप? बोलिए मनी जी। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप लग रहा है दोनों दोनों के बीच में भाई। किमुन अच्छे वो आंखों में बातें हो रही है भालो, खूब भालो, खूब भालो। अमित तुमा के भालोवासी। बताइए तो फिर आपको जब ये फिल्म मिली तो आप कितनी एक्साइटमेंट थी और सबसे बेस्ट चीज आपको इस फिल्म की क्या लगी, हीरो डायरेक्टर कहानी या खुद का किरदार? चंदन जी के साथ तो ये मेरा पहला मूवी था और कल्लू जी के साथ भी ये फर्स्ट मूवी था मेरा।
कल्लू की दुल्हनिया फर्स्ट मूवी था, और मुकेश जी मतलब प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ही कॉल किए थे, मतलब मेरा दूसरे मूवी का शूटिंग चल रहा था तब, तो मैंने सुना कि मतलब स्टोरी कैसा है, वो बोले मुझे थोड़ा ब्रीफ किया, तो बोले कि इसमें तो 7 हीरोइंस है और ऐसे दूल्हा एक ही है आप सबके साथ, मतलब मैंने बोला एक के साथ कैसे, सात लड़की को शादी, बोला वही सस्पेंस है, तो यही सस्पेंस है, बाकी 6 लड़की हम मतलब 7 जो लड़की हम सभी अलग अलग कैरेक्टर के हैं, और इसमें वही दिखेगा, वही कॉमेडी हर सीन में, कॉमेडी हर सीन में, सस्पेंस, बहुत अच्छा मूवी है, मतलब स्टोरी नो डाउट बहुत अच्छा लगा, मुझे शूटिंग करते हुए भी बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया आपका ये 7 हीरो का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको एकदम लास्ट में मालूम चलेगा कि एक्चुअली दुल्हन है कौन, हर सीन के बाद एक नए तुरंत पलड़ा भारी हो जाता है, उसके बाद दर्शकों को लगेगा अच्छा अब तो लगता है किसका पलड़ा भारी है, तो यही हीरोइन बनने वाली है, नेक्स्ट सीन में उल्टा हो जाता है, तो बड़ा कॉमेडी ड्रामा था, और उस चक्कर में बेचारे दूल्हे राजा का बड़ा फजीहत हुआ है। अच्छा मनी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेलर देखा और बहुत ही लाजवाब धमाका आपने किया, स्पेशली जब आप कल्लू जी के साथ डांस में स्क्रीन शेयर कर रही थी, तो हॉटनेस का जो जलवा और तड़का लगा है भाई, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताया कि कल्लू जी के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगी अगर इनके लिए कुछ कहना हो तो। कल्लू जी के साथ मेरा ये पहला मूवी था कल्लू की दुल्हनिया, और बहुत जॉली है, बहुत हंसते रहते हैं, हंसते हंसते काम कर लेते हैं, गुस्सा तो दिखाएंगी और जो भी है बस हंस के, चंदन जी कुछ भी बोले बस हंस के काम करते रहते हैं, मतलब बहुत मतलब सीरियस काम तो डेफिनेटली सीरियसली करेंगे एक एक्टर एक्ट्रेस जो भी, लेकिन उनके साथ काम करके अच्छा लगा, बहुत हंसी मजाक करते हैं सेट पे, बहुत हंसी मजाक करते करते काम सीन कब निकल जाता है पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक चीज इनकी ऐसी पूछूं कि आप एक चीज ऐसी बताइए जो इनके फैंस को नहीं पता, और एक चीज ऐसी जो आपको इरिटेट करती थी। नहीं नहीं इरिटेट तो मतलब ऐसा कुछ मैं मतलब बोलूंगी नहीं, कोई इरिटेट वाला बात ही नहीं था, मैं ये बोलती थी कि आप बहुत जॉली है, बहुत हंसी मतलब करते करते काम कर लेते हैं, कोई सीरियस कोई ईगो प्रॉब्लम मतलब जो होता है हीरो लोगों का, कोई ईगो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से काम करते थे, बहुत अच्छा लगा उनसे काम करके, मतलब बचपन था एकदम चाइल्डिश एक मतलब चीजें है उनमें, मतलब एकदम हंसते हंसते काम करते, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है ये, और हम लोगों का चोरी तो फर्स्ट मूवी है, और एज अ चोरी हम लोगों का कल वो तो वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है कल सुबह शायद ना, वीडियो सॉन्ग है ऐसा है कि कमेंट में बार बार आ रहा है कि कल्लू जी कुछ तो बोलिए, चुप क्यों है, कुछ कल्लू जी को बोलना चाहिए, तो कल्लू जी को बोलिए कुछ बोलिए, कि तब तक दूसरी दुल्हनों को मुझे मुझे क्या नाम है एग्जिट करके किसी दूसरी दुल्हन को मिलवाइए साथ में। चंदन भैया आप ऐसे कैसे जाएंगे जी, मजा ही नहीं आएगा ना, लेकिन ठीक है। कल्लू भैया आपके लिए आज बड़ी ही मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि एक नहीं सात सात हीरोइनों की तारीफ आपको आज लाइव करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए कि मनी जी बैठी हुई है, इनकी सबसे अच्छी खासियत क्या लगी आपको सातों दुल्हनों? देखिए सारे लोग अच्छी हैं, और इस फिल्म में दिखाया गया कि सारे लोग में क्या क्या अच्छाइयां है और क्या क्या बुराइयां है, ये इस फिल्म में है। हम सस्पेंस नहीं खोलेंगे, वो तो आपको 17 दिसंबर को वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो रहा है तो आपको देखने को मिलेगा, बट ये बहुत शांत रहती है, और शांत रहती है, काम से काम मतलब रखती है, और मैं पहली बार काम कर रहा था, तो एक होता ना कि जिसके साथ आप पहली बार काम करो तो कैसे हैं, अगर मैं कुछ बोलूं तो उनको बुरा भी ना लगे, बट एक दो दिन में ही हम लोग की अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई और बहुत मजा आया काम करके। चलिए बहुत ज्यादा मजा मुझे भी आ रहा है आप लोगों को पा करके, बड़ा अच्छा लग रहा बातचीत। चंदन भैया यहाँ से एग्जिट नहीं हो रहा, अगर आपके यहाँ से अगर कैंसिल कुछ दिखा रहा हूँ। यस मैं अपने पास से एग्जिट करता हूँ। जी जी सर, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब मुझे लगता है आपकी दूसरी दुल्हनिया आने वाली है। तो दोस्तों
आप जानते हैं स्क्रीन पर सिर्फ चार लोग ही आ सकते हैं और इसलिए चंदन भैया ने कुर्बानी दे दी और चारे डायरेक्टर ठीक है। तो अब मैं जो है पूनम जी के पास जा रहा हूँ और भगवान करे कि इस बार वो हमारे साथ जुड़ ही जाए। देखिए मैं फिर एक बार इनवाइट पूनम जी को मैंने भेज दिया है यहाँ पर और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर रहेंगे फिलहाल। ये देखिए चौथा विंडो खुल गया। हेलो पूनम मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं हेलो पूनम, एकदम ठीक हूँ। और दूपी मनी जी भी हैं। हाय मनी। हेलो हेलो। ये अभी तक है ना, मुझे लग रहा था पूनम जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी शक्ति कम हो रही, लेकिन अब दुबे दुबे जुड़ गए, यहाँ दो दुबे हो गए। हालांकि दोस्तों हम यहाँ पे कोई जाति वाति वाली बात नहीं कर रहे, पर वैसे ही कॉमेडी फनी ऐसा करेंगे क्या? तो मैं आपको बताऊं पूनम जी, कब से हमारे जो कल्लू जी हैं और आप लोग के जो दूल्हे हैं ये परेशान थे, हैरान थे। ईश्वर ने आखिर इनकी सुनी और पहले मनी भट्टाचार्य जी को प्रकट कर दिया, उसके बाद आपको प्रकट कर दिया। ईश्वर कसम खा के बोलता हूँ, इस बंदे के चेहरे की जो ललक है ना, देखो कितना लाल, वाह क्या बात है। तो अब जिसकी साथ दुल्हनिया है तो उसका चेहरा तो लाल ही रहेगा ना। अब खुशी से लाल है या किस चीज से लाल है मैं क्या बताऊं, दर्शकों के बीच कैसे शेयर करूं। नहीं लेकिन फिर भी अभी अभी इन्होंने ये जो हम सातों दुल्हनिया के जो दूल्हे राजा है बहुत जल्दी सच में दूल्हा बनने वाले हैं, ये उसकी लाली है। सबको पता है, छुपाने की जरूरत नहीं है, कल्लू सर सबको पता है ये बात। नहीं वो जो शादी का लड्डू खाने वाले हैं ना, ये उसकी एक्साइटमेंट है। वाह हेलो सौरभ लाल जी, हेलो कल्लू भैया, बताइए ना फिर। अब बताना चाहेंगे कि होने वाली है कल्लू की दुल्हनिया, रियल वाली कल्लू की दुल्हनिया आने वाली है, बट अभी थोड़ा टाइम है, बस थोड़ा टाइम, 28 खत्म होते ही 23 चालू होगा और बस। अच्छा एडवांस सही ना, एडवांस कांग्रेचुलेशंस, मतलब हमारी जो रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ वाली सौतन आ रही है ओरिजिनल वाली। अच्छा लेकिन वाकई में बहुत फन होगा, आप लोग इतना सब लोग जो है सेट पे होंगे, इतने ढेरों लोग हैं, संजय भैया, संजय पांडे जी हैं, संजय वर्मा, देव सिंह साहब, बाप रे आप लोगों का तो फुल एकदम एंजॉयमेंट हो रहा होगा। पूनम जी अगर मैं आपसे एक खाली मेमोरी पूछूं कल्लू जी के साथ, आपके आपके कुलीग हैं मनी जी के साथ में, कुछ क्या शेयर करना चाहेंगी जिस दिन बहुत धमाल आया, मजा आया, आपकी बातें सुन के हम भी हंसे थोड़ा भाई। हमारी फिल्म का फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सात हीरोइनें थी। सबसे ज्यादा तो हमारे डायरेक्टर डरे हुए थे कि ये सात हीरोइनें होंगी या लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, ऐसा ना हो कि एक दूसरी रूट जाए, दूसरी को संभालू तीसरी रूट जाए। बट कहते हैं ना कैप्टन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है ना, तुम सारे कमांड बहुत अच्छा करता है। तो क्रेडिट गोज टू अवर चंदन जी एंड मुकेश जी, उन्होंने सात हीरोइनों को एज इट इज इक्वल रखा और हीरो ने भी पूरी प्यार दुलार ममता बराबर दिए। और सबसे फनी सीन था हमारे एक चाय का सीन है जिसमें सातों को हमारी दादी सास बोलती है, नानी सास ना, दादी सास सॉरी, चाय पिलाना है और हाँ सब साथ बोलती है और सात कप आते हैं। अभी होता है कल्लू जी को एक साथ खत्म करना है और वो जो जैसे सलाइन चढ़ता है वैसे है, हमने इनको चाय चढ़ाई है और बेचारे और कट होने के बाद भी ये लोग कट होने के बाद भी चाय पिला रहे थे, कट होने के बाद ही पिला रहे थे। मैं मनी पिला रही थी हर्बल टी, मैंने अदरक वाली चाय, किसी ने ग्रीन टी, किसी ने कॉफी, किसी ने पूरा कॉकटेल बॉकटेल का भंडार भर दिया था। जो सात प्रकार का चाय और कॉफी मिला होगा तो वो मैं पियाऊंगा तो कैसा लगा होगा। हाँ वो तकलीफ तो आप ही फील कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने बाद में एक एक घूंट हम सबको टेस्ट कराया, बोला देखो मेरी हालत क्या थी। और बहुत बड़ी सेट थी और उसमें मतलब और एक मतलब कॉमेडी वाला जो हर सीन मतलब एक एक कोई इंडिविजुअल सीन नहीं होता था कि हम लोगों का मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलर आर्टिस्ट से ज्यादा हो गया था। वो लोग बेचारा बैग लेके रेडी रहता था, कट बोलेंगे डायरेक्टर बना के टचअप करेगा, ये देखने का था। चंदन पाटिल जी के लिए जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, शेड्यूल कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला
और पूरी हाँ लास्ट में ऐसा था कि उदास थे जैसे हम अपने घर से जा रहे हैं, इमोशनल थे। नहीं बिल्कुल मनी जी, आपसे ये सवाल होगा कि जब इस तरह की फिल्में आती हैं, सात सात मतलब हीरोइने हैं, तो हाँ बहुत मुश्किल होता होगा ना कि भाई मैं फिल्म में जाऊं या ना जाऊं अपने करियर एंड ऑल को लेके। आपके दिमाग में नहीं आया ऐसा कुछ कि भाई सातों ही इंडस्ट्री की हैं, कहीं मुझे कम स्पेस मिलेगा कहीं ज्यादा? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन होता है ना मतलब क्या मतलब थोड़ा सा मुझे तो थोड़ा सा मतलब मैं एकदम सच बता रही हूँ, जब मुझे बोले कि कल्लू की दुल्हनी मतलब सेवन हीरोइंस, तो होता है ना कि हर लड़की में से मतलब हम लोग सच बोले या झूठ बोले, ये तो एक मतलब लड़की की साइकोलॉजी बोल रही हूँ मैं, कि एक कंपटीशन अंदर अंदर होता ही है। मैं जितना भी बोलूँ नहीं है लेकिन होता है, अरे वो मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है, अरे नहीं अरे ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन वो सीन अरे उसका कितना सीन होगा, अरे मेरा कितना सीन होगा, अरे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा अगर हम लोग स्पोर्टिंगली ले लेना वो चीजें तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं स्पोर्टिंग ले लिया था, मैंने सुना पहले तो मैंने सोचा था कि अच्छा सेम मतलब सबका मतलब सेम ऐसे बोला, हाँ सबका ऐसा ही सेम, लेकिन किसी के साथ तो किसी का शादी तो ऐसा होता होगा ही, ये तो डेफिनेटली, लेकिन ऐसा कोई नहीं है पूरा मूवी में सबका सीन ऐसे, लेकिन हम लोग सच बता रहे एकदम दोस्त जैसे हम लोग सेवन थे, हम लोगों में ना कोई कंपटीशन ना कोई कुछ, एकदम अच्छे से मजा करके हम लोग ऑफ डे में हम लोग घूमने, है ना पूनम जी, हम लोग घूमने भी गए थे, मतलब एकदम बहुत मस्ती, मलाई वाले दूध भी पिए थे। हाँ 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 बहुत सारी चीजें खाए, हाँ बहुत मस्ती करते करते मतलब हो गया, तो थोड़ा सा था वो तो हेजिटेशन होता ही है, लेकिन उसके जब मैं मूवी किया ऑन सेट जब हम लोग काम किए तो कोई हेजिटेशन कोई नथिंग, मतलब एकदम अच्छे से मस्ती से, कब कब चला गया पता ही, वही बोले 22 दिन का शेड्यूल कब करता, न्यू ईयर भी था मेरा लास्ट डे जब कल्लू जी के साथ सॉन्ग शूट हो रहा था, वो न्यू ईयर मतलब 31st नाइट को हम लोग केक काट के सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और गाना शूट कर रहे थे हम लोग, याद है। लेकिन आपको कंपटीटर कौन लगा 6 मिनट? कंपिटिटर खुद का बनो, किसी दूसरे को मत बनो, खुद का जो गोल है ना वो स्ट्रेट रखो, किसी को नहीं, तुम अपना दिमाग स्ट्रेट रख, शांत रख के स्ट्रेट की तरफ आगे चले जाओ, सेट योर गोल देन यू विल अचीव इट, मैं ये मानती हूँ। तो मुझे किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं लगता, मुझे साथ कंपटीशन। आपको भी ऐसा लगता है? मैं तो खुद की अपनी कंपटीटर हूँ जानकारी के लिए बात बता दूं, आजकल इंस्टाग्राम पे मेरी ये दुल्हनिया जो पूनम जी हैं, ये दुल्हनिया काफी आग लगा रही हैं। आग लगा रही है कैसा बताइए जरा, कौन सा आग लगा रही है, किस तरह का आग लगा रही है? वो सबको मालूम है, वो सबको मालूम है, सबको मालूम है, इन्होंने छेड़ा है जानबूझ के हम लोगों की उत्साह बढ़ाई कि भाई पता चले क्या है कैसा है। अच्छा कल्लू सर आप ही बताइए ना। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं ये पूछ रहा था कि आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, दो हीरोइन हमारे साथ हैं, कम से कम बता दीजिए सातों में अच्छी आपको कौन सी लग रही थी हीरोइन, सबके साथ कम्फर्ट जोन था क्या आपके साथ? सर बताइए ना, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, बताइए बताइए। अरे मैं क्या बोलो यार, किसी की एक बीवी आती है तो वो शांत हो जाता है, मेरी तो सात-सात बीवी आए तो मुझे तो मौन व्रत रखना चाहिए। और इस लाइफ में तो दो दो हैं, बाप रे बाप, अभी आप इसलिए आप यहाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि सातों में ऐसा नहीं है कि मैं सातों दुल्हनिया के साथ कंटिन्यू काम किया था, दो तीन लोगों के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, जैसे कि मनी जी ने बताया कि उनके साथ मेरी पहली फिल्म थी, पूनम जी के साथ, निधि जी के साथ, सोनालिका जी के साथ मैंने फिल्में की थी, बट जिनके साथ मैंने काम नहीं किया था उन लोगों के साथ जब मैं काम किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम काम करें, और सातों हीरोइने एकदम कालन हुई, एकदम बहन जैसे रहे लोग सेट पर, वो छोड़ दीजिए बहन, और एक बात बताऊं, सात
सात हीरोइन है, सातों के माँ बाप, सात मेरी दादी, मेरे मामा, मेरी मामी, वो तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लेकिन कैमरा के पीछे सातों के हेयर, मेकअप, बॉय, मतलब इतना ऐसा लगता था कि रियल में शादी हो रही है। हमको हम बताएंगे कि 5 से 6 दिन ऐसा लगा कि मेरी शादी में भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी हमारी फिल्म के सेट पे भीड़ होती थी। क्राउड की मैं खाली थोड़ा दुखी दुखी रहती थी क्योंकि मैं खाली बस मैं अनाथ थी, मेरा मम्मी पापा कोई नहीं था, मैं रोते रोते इतना बहुत मजा आ रहा है। अभी कल सर कितनी शादी अब तक आपने कर ली होगी? पापा, दादी, मामा सब कुछ मिल गए थे, सबसे लकी गर्ल थी। इतने सारे लोग तो थे, बातें कितनी शादी अब तक आपकी होगी होगी ऑन स्क्रीन? बहुत हो गई है, मतलब याद नहीं है कितनी हुई है। और सबसे अच्छी शादी कौन सी लगी थी, ये यादगार शादी सेट पे कुछ हुआ हो? यादगार शादी तो सारी होती है लेकिन हाँ एक शादी हुई थी हमारी शुभ घड़ी आयो में। हाँ। शुभ घड़ी आयो में मतलब मैं रथ पे बैठा था और जैसे होता है कि फिल्मों में क्राउड की जरूरत होती है, मैंने 50-100 तो वहां पे ऐसा माहौल हो गया था कि 1000 से 5000 पब्लिक केवल क्राउड दिख रही थी और ऐसा रियल में फील हो रहा था कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। तो वो एक अच्छा पल और इस फिल्म में रोज मेरी शादी होती थी मतलब कोई भी सीन करे सुबह में एक दुल्हा वाला ड्रेस पहन के मेरे को मंडप में बैठ जाना है, कोई भी सीन करे शाम में दुल्हा वाला ड्रेस पहन के मेरे को मंडप में बैठ जाना, तो वो कंटिन्यूटी था। तो ये फिल्म मुझे याद रहेगी। अच्छा पूनम जी का कब जो है ना वो भी पीले कलर का है, मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा कल्लू जी के टी शर्ट से। वो पीला टी शर्ट पीला कब, क्या बात है। अच्छा चलिए एक आखिरी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बता तो जीजे दर्शक जो है इतनी देर से हमें सुन रहे हैं, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में कल्लू जी की शादी होती किससे है, तो हमें भी नहीं पता था। अगर बताएंगे तो सस्पेंस खुल जाएगा ना। कल्लू सर आप बताइए, आप शादी समझ रहे हो, फिल्म के 7 मिनट पहले तक नहीं पता रहेगा इनकी दुल्हन है कौन। अच्छा मतलब ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल देखने के yes. बाद ही पता चलेगा एक्चुअली में कौन इनको ले भागा। तो कल्लू सर बताइए फिर कहाँ फिल्म देखने को मिल रही है कल, भाई वर्ल्ड प्रीमियर कहाँ पर आ रहा है? ये 17 तारीख को शाम को 6:30 बजे भोजपुरी सिनेमा पर वर्ल्ड टीवी प्रीमियर किया जा रहा है। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी से हम बोलना चाहेंगे कि हमारी शादी, लोग शादी में बुलाते हैं लेकिन हमारी शादी आप घर बैठे देख सकते हैं, कल्लू की दुल्हनिया को आप घर बैठे देख सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी सिनेमा पे आप 17 दिसंबर को शाम 6:30 बजे आइए और देखिए, और कैसा लगा फिल्म आप लोग बताइए, लेकिन सबसे पहले ट्रेलर आया हुआ है इंटरटेन पे, उसे आप लोग देखिए और ढेर सारा शेयर और प्यार दीजिए। बिल्कुल, और दोस्तों मनी भट्टाचार्य जी हमारे साथ थी लेकिन इंटरनेट की वजह से शायद वो यहाँ से नहीं है हमारे साथ, लेकिन पूनम जी हैं। और पूनम मैम जाते जाते बताएं प्लीज कि इस फिल्म को लेकर के क्या चल रहा है दिमाग में और क्या कहेंगे दर्शकों से, कितनी करीब है आपके दिल की? ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि जितना ये फिल्म करने में मुझे मजा आया उससे भी ज्यादा हमारे दर्शकों को ये फिल्म देखने में मजा आएगा। और हमारी पूरी टीम ने बहुत प्यार किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत एक अलग ही लेवल पे बनाया है, तो डेफिनेटली सबको बहुत मजा आएगा और बहुत पसंद आएगा। धर्म जी मैं अपनी दुल्हनिया के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, ये जो दुल्हनिया है ये एक मिनट पहले रुकिए, नहीं नहीं ये गलत बात है, अभी दो हीरोइन थी तब नहीं बता रहे थे। अरे नहीं मतलब देखो इनको सेपरेटली मिल गई, प्राइवेटली मिल गई, जनता के सामने बता रहे, बताने दीजिए। ये दुल्हनिया मेरे बहुत खास ख्याल रखती थी, रोज अपने हाथों से खिचड़ी बना के हमको खिलाती थी सेट पे। देखा मैं जानता था, हाँ जो भी था दीदी भाषा में ओट का खिचड़ी है, ये बात तो सच है। देखा मतलब मिला जुला शूटिंग मेरे दूल्हे राजा ने लंच मेरे साथ किया है, डिनर मुझे नहीं पता कहाँ करते थे, लंच मेरे साथ। मैं
लेकिन मैं भैया ना ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपका लंच है ना पूनम जी के साथ हुआ रहेगा तो पूरा का पूरा डाइट ही होने वाला है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता। अच्छा तो डाइट ही मिलता होगा क्योंकि आप तो फिटनेस पिक रहे हैं, बहुत ज्यादा फिटनेस को लेकर आप सीरियस होती हैं, तो इनको भी तो मेरे ख्याल से अपने ही वाला देती होंगी फिटनेस डाइट। ज्यादा सीरियस है और हम लोग जब कभी बाय चांस वॉक पे निकलते थे ना तो मैं थक जाती थी, कहते थे चले ना 2 किलोमीटर और चल के आते हैं। ये मैं और देव जी हम लोग वॉक पे भी जाते थे तो मैं थक जाती थी, ये लोग तो वॉक करते रहते थे। अरे भाई वाह क्या बात है, देसी लौंडे हैं, मजा आ गया। चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया। अरे देखिए चंदन उपाध्याय जी क्या बोल रहे हैं, क्या ये राज हमको भी नहीं मालूम था कि ब्रेक में तुम कहाँ जाते थे। ए हेलो ले लो क्या जोड़ू क्या चंदन सर को वापस से जोड़ू एक बार, इसका राज जानते ना भैया। नेक्स्ट सीट की तैयारी करते थे और हमें 2-3 घंटे का ब्रेक मिल जाए, करे क्या, इससे अच्छा हम लोग इतना यम्मी यम्मी खाना खाते थे तो थोड़ा हजम करना भी चाहिए ना सर। हम आपके लिए जाते थे वॉक करने ताकि हम मोटे ना हो। गाइस मैं बस ये चाह रहा हूँ एक बार चंदन भैया को जोड़ते ना हो, एक दो खुलासा कर देंगे मुझे लग रहा है। देखिए कितनी फनी बात उन्होंने कर दी है। चंदन भैया मैं फिर से एक बार ना आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ हीरोइनों में मुझको बहुत फायदा होता था। आप देखो खुल रहे हैं, आप बताइए क्या फायदा होता था भाई? कोई चॉकलेट खिलाता था तो कोई खिचड़ी खिलाता था तो कोई सैंडविच खिलाता था, कोई कुछ, सबके रूम में कुछ ना कुछ मिल जाता था, कुछ ना कुछ मिल जाता था। इतना बड़ा फायदा देखिए धीरे धीरे अब आप फायदा हो रहा है। और ऐसा मेरा रूम था ना, रूम से मैं जैसे निकलता था एक हीरोइन का रूम मिलते रहता था और सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलते बोलते जाता था और गुड मॉर्निंग गिफ्ट मुझे मिलते रहते। क्या गिफ्ट देते थे? मुझे मिलता था भाई गिफ्ट मिलता था, गुड मॉर्निंग गिफ्ट की जगह चॉकलेट हो गया, किटकैट हो गया, डेरी मिल्क हो गया, मतलब सैंडविच हो गया। चॉकलेट बॉय तो हैं आप, सबके पसंदीदा होंगे ये मुझे पता है। अच्छा किसी को बहन बहन भी मान लिया था भैया? नहीं होता है काफी, मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं इस साथ तो मैं तो कोई मेरे बहन बहुत अच्छे हैं, हीरोइन को दोस्त ही बोलते हैं, मुझे बहन बोल के बहन बना के हीरोइन बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। मैं दोस्ती पे विश्वास करता हूँ, दोस्त बनाओ। और एक सीक्रेट मैं बताती हूँ, मैं क्या बताऊँ पूरी दुनिया को पता है, सारी लड़कियों का नाम शॉर्ट करके उसके आगे एन लगा देते हैं। तो आपका नाम क्या, क्या इनका नाम क्या है भैया? कल्लू जी बताइए क्या? और सोना, सोनाली का सोना, सोनाली का सोना, वाह। इनको मैं पुंस शुरू से बोलता हूँ, पुंस। हाँ शुरू से बोलते हैं। हाँ एक लिख रहा है ओनली फॉर फ्रेंड, केवल दोस्ती बनाते हैं आप? हाँ भाई दोस्ती बनाता हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, हमसे या तो पट ही नहीं पाती है नहीं तो छोड़ के चली जाती है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, हमसे पटी हाँ छोड़ के चली जाती है, मैं मानूंगा कल्लू सर छोड़ के चली जाती है, मैं जरूर मानूंगा छोड़ के चली जाती है। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि नहीं यार इनको मैं गर्लफ्रेंड बनाऊ, तब तक मेरे से होता है ना कि मैं काम धाम में बिजी हो जाता हूँ तो बोलते नहीं नहीं ये टाइम नहीं देता लड़का। अब रहने दीजिए ये सब बातें करने, शादी होने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच कल्लू सर, पूनम जी आपका थैंक यू, पूनम जी आपको भी कि आपने हमारी फिल्म में अहम भूमिका निभाया। और जहाँ तक सात दुल्हन जैसे ही लोग सुनते साथ ही उन्हें, वहाँ जो हीरोइने हैं बोलते मैं नहीं मैं सोलो हीरोइन रहेगी या सेकंड, दो हीरोइनों तक चलता है, लेकिन आपने इसमें अपना इतना कीमती वक्त और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देके इस फिल्म को, ये फिल्म करने के लिए 3 बार मीटिंग किया और ना बोला, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, पहली मीटिंग में साथ हीरोइन मैं नहीं करूंगी, फिर पूरी स्टोरी सुने मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, एंडिंग बताइए, एंड का एक पेज छोड़ करके चंदन सर ने मुझे A to Z पूरी फिल्म सुनाई, तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था ना कि ऐसा ना हो कि किसी हीरोइन के साथ जज्बात जुड़े हो
किसी के साथ हालात जुड़े हो, किसी के साथ कुछ जुड़ा हो, बट थैंक यू सो मच चंदन सर, आपने लास्ट के पेज को छोड़ करके पूरी फिल्म में हीरोइन को इक्वल रखा, थैंक यू। ये लास्ट वाली लाइन आपकी बहुत सही आपने बोला क्या जी, सबको इक्वल का जगह दिया, सबको बकायदा फिट किया, किसी को नाराज किसी को। मैंने दो तीन हीरोइन वाली फिल्म की है, सेट पे जाने के पहले चार चार गाने होते हैं, सेट पे जाकर के 6:30 डेढ़ हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई समझदार को इशारे काफी होते हैं, इसलिए मैं दो हीरोइन वाली फिल्म में, या तो दो हीरोइन दो हीरो हो चलेगा, एक हीरो के साथ अगर है तो पंगा नहीं लेना, खुश रहो। चलो सर इजाजत ली जाए फिर, इजाजत जी ठीक है प्लीज, ओके पुंस बाय बाय, टेक केयर, बाय कल्लू जी, टेक केयर, यू टू, थैंक यू धर्म जी। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी फिल्म देखना मत भूलिएगा, 17 तारीख को, टाइमिंग कल्लू जी बताएंगे, शाम 6:30 बजे, एंटरटेनमेंट 6:30 बजे भोजपुरी सिनेमा पर रिलीज होगी, वर्ल्ड टीवी प्रीमियर है, और इंटरटेन पे हमारी फिल्म का ट्रेलर आया हुआ है, तो उसे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कल्लू सर, थैंक यू पुनम जी, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों इस में आपने देखा कि कल्लू सर हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए थे, एक सेकंड धर्म जी, जितने लोग हैं सभी को सॉरी भी बोलूंगा, और सभी को एक बार दिल से प्रणाम, दिल से लव यू यार, बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि आप लड़की से खाली बात कर रहे हैं, हमने के जो दर्शक लोग बालो ना भैया, हम आप लोग से भी बात करते नहीं, सबको हाय, सबको नमस्ते, और हमारे फिल्म के ट्रेलर आई बा कल्लू की दुल्हनिया एंटरटेन पे, तो आप लोग जाए लोग और देखे लोग, और 17 तारीख के शाम 6 बजे 6:30 बजे भोजपुरी सिनेमा पर वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होता था, घरे बैठे बैठे आप लोग फिल्म देख लो, और फिल्म देख के इंस्टा पे स्टोरी जरूर लगाए लोग, और आप लोग को फिल्म कैसा लगा सोशल मीडिया पे जरूर बताए लोग, इंतजार भैया भैया एक, एक, एक सवाल तो बता दीजिए, बियावा में भी टाइम है लेकिन अगला साल हो जाए, अगला साल हो जाए ना, हाँ लेकिन टाइम अभी ओरिजिनल अरे दूल्हे को देखेंगे आपकी बात, चलो थैंक यू धर्म भाई, लव यू, थैंक यू, लव यू भैया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से कल्लू की दुल्हनिया के स्टार कास्ट, जिसमें मिस्टर डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हुए, और सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी हमारे साथ थे, मणि भट्टाचार्य जी जुड़ी, और साथ ही साथ पूनम दुबे जी को भी जोड़ा, और भी बहुत सारे स्टार कास्ट इस फिल्म में है, सभी को मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी है, जो जो अवेलेबल था वो हमसे जुड़ा, और आप जाइए इस फिल्म के ट्रेलर को एंटरटेन पर देखिए, और भोजपुरी सिनेमा जैसा कि कल्लू सर ने बताया कल 17 तारीख को 6:30 बजे वर्ल्ड प्रीमियर शो आ रहा है, फिल्म को देखिए, मजा करिए। और हाँ एक एक अहम बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि धर्म दुबे शो पर अब मैं हमेशा इसी तरह के सितारों को लाऊंगा लाइव पर, आपसे खूब बातचीत होगी, हंसी होगा, आप धर्म दुबे शो को प्यार दीजिए। नया यूट्यूब चैनल भी मैंने खोला है धर्म दुबे शो नाम का, जिसे जाकर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाइए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ इंडस्ट्री के एक से एक बड़ी खबरें, अच्छे अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, पर्दे के पीछे के कलाकार, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर कोई, हर किसी की बातें, हर किसी की खबरें आप तक पहुंचाऊंगा, सभी से आपको रूबरू कराऊंगा। मुझे पता है मेरे प्यारे दर्शकों आप बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से आपने इतना सारा प्यार, अपना सम्मान, अपना जो समय है वो हमें दिया। फिलहाल इस लाइव का हम समापन कर रहे हैं, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हर हर महादेव, बने रहे हमारे साथ, यानी धर्म दुबे शो के साथ।